आज हम बना रहे हैं खसखस की गुजिया। तो इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया छान के, 100 ग्राम मैंने खसखस भून के ले ली है, एक कटोरी मैंने देसी घी लिया है, आधे से ज़्यादा कटोरी मैंने चीनी ली है, और मैंने एक कटोरी कद्दूकस करके सूखा नारियल ले लिया है, आधी कटोरी मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा का कूट के मैंने बादाम ले लिया है, और किशमिश। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी के डाल लिए है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने कद्दूकस करके नारियल लिया हुआ सूखा नारियल, किशमिश और बादाम। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, ऐसे थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कर लूँगी, स्लो गैस पे भूनूंगी, तेज पे ये जल जाता है। अब ये हमारा नारियल अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने खसखस ली हुई है भून के पहले ही, ये डाल दूँगी, और अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने पीसी हुई चीनी ली हुई है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैंने गैस बंद कर दी है, अब अच्छे से मिला के इसको रख लूँगी, और अब इसको ठंडा होने तक मैं गुजियों का आटा गूंद लूँगी। मैदा गूंदना है गुजियों के लिए, तब तक ये हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा। अब हम गुजियों का आटा गूंद लेते हैं। मैंने ये मैदा डाल लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने देसी घी लिया हुआ। आप देसी घी नहीं मैं भी बना सकते हैं, और ऐसे आप जो रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हमारा मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। आप भी ऐसे गुजिया बनानी हो तो आटा में घी इतना डालना कि इसकी ऐसे मुठिया बन जाए, नहीं तो कम रह जाता है तो गुजिया अच्छी नहीं बनती है। अब मैं इसको गूंदूंगी पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको, जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको हमने गूंदना अच्छे से। अब ये हमारा गुजियों का आटा गूंद गया है। अब मैं इसको एक बोल में डाल लूँगी। अब हम मसाला ठंडा हो गया होगा तो हम गुजियाँ बनाएंगे। अब ये हमारा गुजियों का मसाला ठंडा हो गया है, अब हम गुजियाँ बनाएंगे। तो मैं एक पेड़ा लूँगी, इसके मैं पेड़ा बनाऊँगी फुलके की तरह, फिर मैं इसको बेलन से बेलूँगी ऐसे करके। ऐसे ये देखो अच्छे से बेल रहा है ना हमारा, ऐसे करके। अब मैंने इसको बेल लिया है, अब मैं इसको मशीन में डालूंगी। हाथ से भी बनती है, मैं आपको मशीन से बता रही हूँ बनाने के लिए। ऐसे मशीन पे रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने मसाला बनाया हुआ है। अब मैंने इसमें मसाला डाल लिया है, अब मैं इसके साइड में लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो ये यहाँ से खुल जाती है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी लगाने से ये गुजिया खुलेगी नहीं। अब मैं ऐसे बंद करके चारों तरफ से इसको दबा दूंगी, जो इसमें आटा बाहर आया है वो मैं ऐसे करके इसको निकाल लूँगी चारों तरफ से, और अच्छे से दबा दूंगी। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। अब ये देखो कितने अच्छी गुजिया बन गई है हमारी। ये देखो,
इसी तरह मैं सारी गुजियां बना लूंगी। अब ये हमारी गुजियां बन गई है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, अब मैं इसमें गुजियां डालूंगी, फ्राई करूंगी। अब मैं इनको ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। हमारी गुजियां फ्राई हो गई है, अब हम ऐसे ही सारी गुजियां फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारी सारी गुजियां फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें परोसेंगे। ये हमारी खसखस की गुजियां बनके तैयार हो गई हैं। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।